डीडवाना शहर के मेगा हाईवे रिको इंडस्ट्रीज एरिया में बने एलएनटी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट के गोदाम पर आज भारत के कोने कोने से आए ठेकेदारों के द्वारा ताला लगा दिया गया और तालाबंदी की गई। ठेकेदारों की यह तालाबंदी इसलिए की गई है क्योंकि ठेकेदारों का बकाया भुगतान पिछले 2007 से बकाया चल रहा है, जिसको लेकर ठेकेदारों में भारी आक्रोश है। आज भारत के कोने कोने से रतनगढ़, सरदारसर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पल्लू, लूणकरणसर, बंगाल, जयपुर, बिहार, खाटू श्याम जी, सीकर, भारत के कोने कोने से आज ठेकेदार यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने यह तालाबंदी की है और अपने भुगतान करने की मांग की है। ठेकेदारों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, आज तक पेमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें आर्थिक संकट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर आज तालाबंदी की है। सब कॉन्ट्रेक्टर संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ सुभाष चंद्र क्लेरी, रतनगढ़ से। हमारी समस्याएं हैं एलएनटी में पेमेंट को लेकर। एलएनटी 2007 से ठेकेदारों का बकाया पेमेंट एज इट इज पड़ा है। हम तीन बार पहले भी आ चुके हैं, जब भी आता है आश्वासन दे दिया जाता है और हम चले जाते हैं। अब हमने चौथी बार ये निर्णय लिया है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। जब तक पैसा नहीं देगी तब तक हम लोक लगाए के रखेंगे। उनके जीएम रविश कुमार जी से हमारी तीन बार मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे, आज तक न तो वो आते हैं, न मिलते हैं और न हमारा काम करते हैं। पैसा नहीं मिलता तो धूप में बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। इतने दूर दूर से लोग आए हैं, भाई साहब पश्चिम बंगाल से आए हैं, ये भाई साहब बिहार से आए हैं, एक भाई साहब उड़ीसा से आए हैं, हम इतने लोग राजस्थान से हैं, तो सबका एलएनटी पैसा लेके बैठ गए छोड़ के लमसम है। अधिकारी कह रहे हैं कंपनी है, हम क्या करें, हमने तो प्रपोजल बना के भेज दिया है, अप्रूवल नहीं मिल रही है, हम क्या कर सकते हैं। लापरवाही एलएनटी के मैनेजमेंट के चलते हो रहा है। इनके यहाँ अकाउंट्स वगैरह जो बैठे हैं, इनके जीएम वगैरह बैठे हैं, ये प्रॉपर ऊपर रिपोर्ट भेजते नहीं है। भाई अब हम तो यही सोच के हैं, फर्क पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई धूप में खड़ा रहेगा? अब हम घर के रहने घाट के रहे, बहुत से ठेकेदार तो सुसाइड करने पे उतर हो गया, जिसमें से दो वेंडर ने सुसाइड किया भी है। एक जोधपुर का गोड़ है और एक अपने राजस्थान का ही और बीकानेर से, दो ने सुसाइड कर लिया है, तो खत्म हो गए। उनका एक का टाटा में बाकी था, एक का अन्य कंपनी में बाकी था। अभी यही स्थिति एलएनटी में हो गई है। एलएनटी की सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों को यही करती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में ये लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उनके बाद में ये अपने इनके हेड ऑफिस जैसे दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, जहाँ भी ये लोग बुलाते हैं वहाँ पे बोलते हैं इस रीजन का नहीं है, उस रीजन का नहीं है, ऐसे करके घुमाते रहते हैं। 2012 की मेरी पेमेंट पड़ी है, आज तक देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी इसको यहाँ भेज दिया तो कभी एक महीना बोल रहा है, कभी दो महीना करते करते इन्होंने अभी 2012 से 2013 साल हो गए इनके, ये स्थिति है इनकी। कितना पेमेंट आपका? मेरा 5 लाख रुपये। आपका शुभ नाम? राजीराम विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन। कहाँ से आप? राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट।